गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर बिहार विधानसभा पारंपरिक तरीके से नहीं चला तो वह सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा के आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने कल विधानसभा के स्पीकर से मिलने के लिए गए थे। स्पीकर से अनुरोध किया कि आने वाले विधानसभा के बजट सत्र को पहले कर दिया जाए और उसको छोटा कर निपटा दिया जाए। विधानसभा जनता का मंदिर है, उनकी समस्या को यहाँ पर उठाया जाता है। एक साल में सिर्फ 4 दिन ही सत्र चल पाया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि आने वाले सत्र को 4 दिनों में ही खत्म करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में नए विधायक को कैसे सीखने का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि मार्च के महीने में कोरोना वैक्सीन आएगी तो सदन चलेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया है कि सभी दलों को लेकर बैठक की जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कृषि बिल का विरोध करने वाले 50 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही नीतीश सरकार को किसानों से कोई लेना देना है। बिहार के किसान सस्ते दाम पर धान बेचने को मजबूर है। MSP पर ध्यान नहीं दी जा रही है और धान की खरीदी नहीं हो रही है। सरकार किसानों और कंगाल बना रही है। जरा सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव कह। मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है। कई नए विधायक चुनकर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता। ये बहाना दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है मार्च के महीने में आएगा तो चलेगा, एक अजम्पशन है। अभी कोई तारीख तो तय नहीं हुआ बिहार के लिए। तो हम लोगों का ये राय है, और हमने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था अध्यक्ष महोदय को कि सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके आप जो है मीटिंग कराइए, और उसमें हम लोगों का महागठबंधन के पार्टियों का ये निर्णय है कि जो ट्रेडिशनल जो रहा है समस्याओं को जनप्रतिनिधि कहाँ उठाएंगे। पूरी तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो रखी है, और एक विधानसभा सत्र ऐसा चलता है जब अधिकारियों पर दबाव रहता है, और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने सवाल उठा सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप बताइए, बेरोजगारी के इशू पे, किसान के इशू पर, भ्रष्टाचार के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के सवाल पर, कहाँ हम लोग सवाल पूछेंगे। तो हमने उनको स्पष्ट रूप से राय दिया है कि जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन में MLA क्या करेगा। और जब सत्र चल रहा हो तो सब तो सत्र में तो और दबाव होगा अधिकारियों पर, सही फीडबैक मिलेगा, जनप्रतिनिधि सदन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकार द्वारा कि भाई उनके क्षेत्र में कितने टीका लगे हैं, कितने टीका नहीं लगे हैं, कितने बकाया हैं, ढंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये तो और भी अच्छा है अगर सत्र चले। और अब स्कूल कॉलेज सब खुल गया, सारी चीज़ें काम धंधा सब वापस ट्रैक पे है। आप उस दौर में जब सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आई हुई है, तब आप चाहते हैं कि विधानसभा ना चले। तो हम लोगों का निर्णय, अगर सरकार इसी तरीके से भागती रहेगी तो हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर परंपरागत तरीके से अगर विधानसभा नहीं चलेगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर विधानसभा बजट सत्र नहीं चलेगा, अगर तरीके से नहीं चलेगी, तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे।